कैसा है ये फंडा, समझ में नहीं आ रहा कि मुर्गी है कि अंडा। 99% लोगों की ये क्वेश्चन से जानकारी नहीं है कि पहले मुर्गी है कि अंडा। गजब का क्वेश्चन और अद्भुत क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पर रिसर्च कीजिएगा तो सोचिएगा कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि भाई मुर्गी है कि अंडा, तो आप जवाब में दीजिएगा कि मुर्गी, तो तुरंत आपसे क्वेश्चन बैक टू बैक करेगा भाई अंडा कहाँ सा है। और जब आप जवाब में दीजिएगा अंडा तो तुरंत एक रिकवर बैक मुर्गी कहाँ सा है। तो भाई ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रिसर्च के मुताबिक देखा जाए तो आंसर क्या होगा, जैसे कि आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो में जब देख रहे थे एक मुर्गी अंडा दे रही है, एक मुर्गा यानी सगरा देख रहा है, इसको तो संस्कार माँ बाप ने सिखाया नहीं क्योंकि ये भी शायद पड़ोसी के अनुवाद हो गए, इसमें टुकुर टुकुर ताक रहे। लेकिन आप ध्यान से देखिए, एक मुर्गी जब अंडा दे रही है तो अंडा कहाँ से आ रही है, मुर्गी से आ रही है ना, इसमें इसका आंसर हो जाएगा मुर्गी। लेकिन इस बात से आप खुश नहीं होइए, हमको पता है कि इतना खतरा, इतना आसान तो आंसर हो नहीं सकता इस क्वेश्चन का, लेकिन आपको समझाते और रीजन समझिए। देखिए, जो वैज्ञानिकों के तथ्यों के अनुसार आपको थोड़ा सा प्रोटीन का अगर नॉलेज होगा तो अंडे के ऊपर जो प्रोटीन पाई जाती है वही जो मुर्गी के गर्भाशय का दीवार जो होता है उसी के ऊपर प्रोटीन पाई जाती है। तो अंडे की दीवार पे जो प्रोटीन पाई जाती है वही प्रोटीन गर्भाशय की दीवार पे पाई जाती है। इससे पता चलता कि जो ये अंडा आया ना ये मुर्गी सा है। इससे भी अगर आप खुश नहीं होते तो दूसरा और आंसर बताते हैं कि जब अंडा बनता है ना तो बिना गर्माहट का अंडा बन नहीं सकता। ये अंडा बनता है मुर्गी, और मुर्गी बिना गर्माहट के अंडा दे ही नहीं सकती यार, अंडा का प्रजनन हो ही नहीं सकता। तो इसका भी आंसर से पता चलता है इसका आंसर क्या है, मुर्गी। लेकिन ये वैज्ञानिकों के तथ्यों के अनुसार से पता चलता है कि इसका आंसर मुर्गी होगा। लेकिन हम एक और रिसर्च के साथ आपके साथ आए हैं कि हम पूरा जब डिटेल जानकारी पढ़े, जे विकास और जे विकास चैप्टर होता ना, जो इवोल्यूशन नामक चैप्टर बायो में, तो उसको जब हमने अध्ययन किया तो पता चला कि ना तो पहले मुर्गी आई ना तो अंडा। तो भाई आया क्या, सबसे पहले आया प्रोटो चिकन। अब प्रोटो चिकन से जो उत्पत्ति हुई छोटा सा एक कण, यानी कि प्रोटो चिकन से जब प्रोटीन का विखंडन हुआ यानी प्रजनन हुआ तब उससे बना जाके मुर्गी। महाविस्फोट सिद्धांत जिस तरह से हुआ था ना, एक दुनिया एक छोटा सा बिंदु था तब जाके ग्रह उनका पिंड बना, डायनासोर बना, हमारे वातावरण में जितने भी प्राणी था जो इनके अनुकूल था वो जीवित रहा, और जो इनके अनुकूल नहीं था वातावरण के वो जीवित नहीं रहा। इसमें आप कह सकते हैं कि मुर्गी आने से पहले आया प्रोटो चिकन, और प्रोटो चिकन से बाद आया मुर्गी, और मुर्गी के बाद आया अंडा, और आज हम अंडा खा रहे हैं।